हेलो एवरीवन। सो कॉपर का अगर कोई वेसल है आपके पास जो कि बिल्कुल ब्लैक पड़ चुका है, तो उसे किस तरह से क्लीन करना है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। यहाँ पे सम सॉल्ट आई हैव टेकन और ये है नॉर्मल अपना वाइट विनेगर। तो सबसे पहले ये मैं विनेगर में ये स्पॉन्ज को डिप कर दूँगी एंड यहाँ पे लगा दूँगी विनेगर पूरा। थोड़ा थोड़े से पोर्शन को पहले मैं करके बता देती हूँ आपको। एंड ये जो सॉल्ट है वो उसके ऊपर डाल देंगे और उसी से इसी तरह से बस आपको थोड़ा सा यू नो रब करना है। जस्ट स्टार्ट रबिंग इट। स्टील स्क्रबर मत लीजिए आप, नॉर्मल जो सॉफ्ट स्पॉन्ज होता है हमारा उसी से आपको स्क्रब करना है। इंस्टेड ऑफ विनेगर इफ यू टेक लेमन जूस तब भी ठीक है। ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इमीजिएटली यू विल सी द चेंज। ये देखिए तुरंत ही इसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे भी जो पूरा जो ब्लैक हो चुका है उसके ऊपर भी हम विनेगर एंड सॉल्ट लगा देंगे। ये क्लीन हो चुका है एक साइड से। एक बार लास्ट में आफ्टर अप्लाइंग द विनेगर एंड सॉल्ट, लास्ट में आपको बस एक बार प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है जब वो पूरा क्लीन हो जाएगा। सो जस्ट टू शो द डिफरेंस, मैंने एक ही साइड का एक ही साइड मैंने अप्लाई किया था विनेगर एंड सॉल्ट, और ये जो बैक साइड है यहाँ पे मैंने अप्लाई नहीं किया था। जस्ट टू शो द डिफरेंस। सो या बाई यूजिंग द विनेगर एंड सॉल्ट यू कैन क्लीन द कॉपर वेसल्स। फिर वो आप ग्लास हो, वाटर बॉटल हो, कुछ भी हो, विनेगर या सॉल्ट या लेमन एंड सॉल्ट यू कैन यूज़ इट।